Assalamualaikum, welcome to another vlog. और आज का vlog है वही daily routine. सुबह उठना है, उमर को school भेजना है, school से वापस आना है, फिर सोना है, फिर उठना है, काम करने हैं, बच्चों के साथ routine, you know very well कि routine कितनी rough होती है. उमर school से आ गया, उमर को मैंने सुला दिया है और अभी लोग शाम में उठ के tuition जाएगा उमर. और ये उमर tuition के लिए अब ready हो गए हैं और उमर जो है tuition जा रहे हैं. उमर tuition के लिए ready हो गए हैं. जाइए उमर, सैंडल वेयर कीजिए अपनी. वो अच्छा भाई, तो 5 o'clock हो चुके हैं और मेरा जो है खाना पकाने का टाइम स्टार्ट हो गया है. और जो है अब मैं दाल चावल बना रही हूँ. आज दाल चावल के साथ मैं बनाऊँगी चटपटी सी हरी मिर्चें. हमारे यहाँ जो है हरी मिर्चें बहुत ही यमी बनती हैं. मैं आपको भी बताऊँगी कि वो मैंने कैसे बनाई, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा. दाल चावल के साथ बहुत यमी. मैंने हरी मिर्ची कटिंग कर ली है और इसके अंदर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए जा रही हूँ. मैंने इसमें धनिया और क्या कहते हैं सौंफ और पिसा हुआ ज़ीरा और हल्दी और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लेमन भी डाला है और इसमें इमली का पेस्ट भी डाला है. सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें इमली का पेस्ट होता है. ऐसे मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद ये मेथी दाना और मेथी दाने के बाद हम ये मिर्चें जो होंगी वो ऑयल के अंदर डाल देंगे और फिर ये हमारी मिर्चें हम पकने के लिए रख देंगे. थोड़ी देर के बाद ये हो जाए. 5 चटपटी सी मिर्चें हो गई हैं रेडी हमारी. आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी. अब हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए और कुछ बच्चों की चीज़ें लेने के लिए. चेज़ अब भी नहीं जा रहे हैं और अब देखते हैं यहाँ पे बच्चे क्या क्या शॉपिंग करते हैं. यू नो वेरी वेल कि बच्चों के साथ शॉपिंग करना कितना मुश्किल होता है. ये भी लेना है, वो भी लेना है, वो भी लेना है. बच्चों को समझाते हैं मगर बच्चे नहीं समझते. बट देखते हैं अब हमें क्या क्या लेना है. तो भाई उमर की पप्पो क्या हुआ है बेटा और हम जा रहे हैं उसको देखने के लिए लियाकत नेशनल हॉस्पिटल. और फाइनली हम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और ये हमारा प्यारा से शहजादा, क्यूट से शहजादा. ये बहुत क्यूट है माशाल्लाह से. और हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और हम इसे अब अपने साथ वापस भी लेकर आएंगे घर पर. और बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि छोटा बेबी आ गया है घर में. बहुत ज़्यादा खुश हैं बच्चे. फाइनली हम बेबी को वापस घर लेकर आए थे. वो जाते हुए मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था, मीरा और जोर का हो गया था एक्सीडेंट. बट नाउ फीलिंग बेटर. ज़्यादा चोट नहीं लगी थी बट अल्लाह ने बहुत खैर कर दी कि हम लोग बच गए. कारसाज वाले रोड पे हमारा एक्सीडेंट हो गया था बट बहुत ज़्यादा खैर हो गई. खैर हम लोग अल्लाह का शुक्र है सेट है. अच्छा भाई, तो बेबी घर आ गया है और अब है बेबी का हकीका. और अकीके में आए हैं बेबी के लिए 2 बकरे और जो है ये बहुत ही क्यूट हैं. और ये देख रहे हैं, ये इन लोगों ने सब तबाही मचा दी है. ये जो बकरे हैं ना, इन्होंने सब तबाही मचा दी है हमारे जो है ऊपर. खैर अब जो है ये एक दिन के लिए आए हैं, सुबह ही कट जाएंगे और फिर अकीका होगा सुबह. फाइनली आज है अकीका और हमने जो है छोटे से बेबी का नाम रखा है हमने खिजर. और जो है अब ये बच्चे देखें कितनी शरारतें कर रहे हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं. और अब हम हो गए हैं अकीके से बिल्कुल फ्री. और जो है आज का व्लॉग बस यही था. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.